साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जहां सरफराज की बात निकल आई है और कंपैरिजन हो रहा है बाबर के साथ, तो सरफराज के पास एक सीरीज जीतने के जो है वो बड़ा एक लेवल है कि जी उन्होंने 10 T20 से ज्यादा उसने कंसेक्यूटिव जीती, कंसेक्यूटिव सीरीज जीती है इंक्लूडिंग चैंपियनशिप, जिस वक्त उसको हटाया गया है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है उन्होंने, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी तो 50 ओवर थी लेकिन T20 सीरीज में उसने लाजवाब कप्तानी की थी। और बट स्टिल आई टोटली एग्री विद मोहसिन। देखो इंग्लैंड में देखो बेन स्टोक्स को उन्होंने टेस्ट कैप्टन रखा है, तो जॉस बटलर को उन्होंने वाइट बॉल कैप्टन रखा हुआ है, और इसी तरह आयरन फिंच जो था वो वाइट बॉल कैप्टन था, टेस्ट मैच में उनका कमिंस था, उससे पहले पेन था। सो द थिंग इज दे हैव कैप्ट इट बिकॉज वही जो मोहसिन बात कर रहे हैं, हु नोज बेटर देन अ क्रिकेटर हिमसेल्फ हु हैज प्लेड एट दिस लेवल, कि कितनी टेंशन होती है। बाज़ दफ़ा आपको तंज और मिजा मिल रहा होता है दो प्लेयरों के साथ, बाज़ दफ़ा आपको टेंशन मिल रही होती है कि दूसरा आदमी आपकी कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ है, ये सारा बात अगर यही टेंशन रहेगी तो फिर आप गेम के बारे में कब सोचेंगे, परफॉर्म कब करेंगे, आप परफॉर्म कब करेंगे खुद से। आई टोटली एग्री विद मोहसिन, बिल्कुल। और जिसी वजह से मैं शुएब को सेकंड करते हुए कहूंगा, क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन शुड टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इट, डू नॉट इंटरफेयर इन मैनेजमेंट, यू विल बी आउट। केविन पीटरसन इंग्लैंड का मोस्ट हाईएस्ट परफॉर्मिंग बैट्समैन था जब वो कप्तान बना, 8000 से ज्यादा उसने रन बनाए थे, उसका कोच से डिसएग्रीमेंट हो गया पब्लिकली ड्रेसिंग रूम के अंदर, दे सैक्ड बोथ, द क्रिकेट बोर्ड से ना कप्तान रहेगा ना कोच रहेगा, दोनों घर जाओ, और इवेंचुअली नया कैप्टन आया, नया मैनेजमेंट आया, उनका वी कैन यू नो एक भी रहेगा तो दैट मींस हमने किसी एक की साइड ली, दोनों के साथ टेंशन है, दोनों के साथ प्रॉब्लम्स है, बोथ हैव देयर फॉल्ट्स, बोथ हैज टू गो। ये पाकिस्तान में जो है सर लॉ नहीं फॉलो होता ना, रिश्तेदारों का जो इन्फ्लुएंस है वो फॉलो हो जाता है। व्हाई बोथ हैज टू गो, कि टीम को खराब कर रहे हैं, बिल्कुल दैट्स द होल पॉइंट, टीम को नहीं खराब करना। अब देख लड़का, अगर टीम को मैं खराब कर दूं 10 लड़कों को तो आई शुड बी थ्रोन आउट। हुसैन भाई, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो गंदी मछली निकाल के आपने बाहर फेंकनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।